નકલી પીએસઆઈએ હનીટ્રેપ કરીને કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી 5 લાખ પડાવ્યા। गुजरात सहित सूरत में पण नकलीनी भरमार चाली रही है। त्यारे एक नकली पीएसआई ए 45 वर्षीय कॉन्ट्रेक्टर ने कामना बहाने पार्ले पॉइंटना वृंदा कॉम्प्लेक्स में बोलाव्या हता। बाद में टोळकीए तेमने हनी ट्रेप में फसाव्या हता। कॉन्ट्रेक्टर ने हाथकड़ी पहेरावीने तेना नग्न फोटा पाड़ीने पोलीसना नामे धमकावीने 5 लाख रुपया पड़ाव्यानी घटना उमरा पोलीस स्टेशन में नोंधाई छे। पुलिस 6 आरोपी सामे गुनो नोंधीने टोळकी 4 नकली पुलिस कर्मी ने झड़पी पाड़ा है। कॉन्ट्रेक्टर पार्ले पॉइंट वृंदावन कॉम्प्लेक्स में गयो हतो। अमन तेने एक रूम में लई गयो हतो ज्यां पहेलेथी एक युवती हती। अमन जेवो बहार निकळीने गयो त्यां नकली पुलिस घुसे आवी हती। तेमणे कॉन्ट्रेक्टर ने कह्युं के शुं करो छो कहीने तबाचा ठोकी दीधा। कॉन्ट्रेक्टर ने हथकेड़ी पहेरावीने नग्न फोटो पाड़ी दीधा हता अने तेना रेपना गुनामां फसावी देवानी धमकी आपी। नकली पुलिसे गुनो दाखल नहीं करवा माटे 20 लाखनी मांगणी करी हती। रकजक थता छेल्ले 5 लाख आपवाना नक्की कर्या हता। कॉन्ट्रेक्टरे तेना मित्रने 5 लाख लईने सरगम शॉपिंग सेंटर पासे बोलाव्यो हतो, ज्यां कॉन्ट्रेक्टरे 5 लईने नकली पुलिसना रिक्षावाळा सुमित ने आपी दीधा हता। कॉन्ट्रेक्टरे फरियाद आपता उमरा पोलीसे नकली पीएसआई अमित सहित टोळकीना 6 सामे गुनो नोंध्यो, जेमा पोलीसे अमित मनसुख ठक्कर डिस्टाप तरीके ओळख आपनार विजय मणिलाल माड़ी, अल्पेश जगदीश पटेल अने अमान उल्ला शेख ने धरपकड करी छे। सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन में पार्ले पॉइंट के पास में जो भोग बनार है इस केस में, उसको एक अमन उल्ला जनादुल्ला शेख, ये आदमी को 2-3 साल से फरियादी जानता है, उसने फोन करके अपने घर पे बुलाया, जहां ये अमन उल्ला अपने परिवार के साथ अपनी वाइफ के साथ में रहता है, और वहां पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया। वहां पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, बाहर से बंद कर दिया। इतने में 3 लोग, जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो 3 लोग आए, बाहर से कुंडी खोली, और एक ने खुद को डी स्टाफ पीएसआई बताया, और 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया। और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की, उसका शर्ट उतरवाया, कुछ फोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का FIR हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे। इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया, उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में, और 20 लाख रुपए दे दो वरना रेप का गुनाह जो है वो तुम्हारे खिलाफ दाखिल हो जाएगा। तो उसने जब फरियादी ने सामना किया कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, मैं यहाँ छत से कूद जाऊंगा पर 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो वो बार्गेनिंग करते करते नीचे आए और फाइनली 5 लाख रुपए में वो लोग माने। तो फरियादी ने अपने एक दोस्त को फोन करके और पैसे मंगवाए, और यहाँ सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से उसे 5 लाख रुपए कैश देके और इन आरोपियों को उन्हें सुपुर्द किए। ये अमन उल्ला जनादुल्ला है, ये उसके साथ में गया और पैसे लेके वापस आ गया। तो टोटल 6 लोग जो इस हनी ट्रैप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे, उसमें से 4 को अरेस्ट किया गया है, 2 के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। उसमें जो आरोपी हैं वो अमन उल्ला जनादुल्ला शेख है, ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। इसका काम इस गुनाह में, इसने फरियादी से कॉन्टेक्ट किया, उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे आने के बाद में लड़की को अंदर बिठा रखा था और बाहर से कुंडी लगा दी। दूसरा आरोपी जो है वो विजय मणिलाल माली है, ये ड्राइवर है और ये वडोदरा शहर आजवा रोड का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है ये अमित मनसुख भाई मसरू, ये कतारगाम पुलिस स्टेशन की हद में वसंत विहार में रहता है और मूल रूप से ये सावरकुंडला अमरेली का रहने वाला है। इसने खुद को डी स्टाफ PSI के रूप में उस समय अपनी पहचान दी थी। चौथा अल्पेश कुमार जगदीश भाई पटेल है, ये प्रांतिज साबरकांठा का रहने वाला है और यहाँ पे व्यापार करता है, अभी गजेरा सर्कल कतारगाम में ये रहता है, इसने खुद को डी स्टाफ का बताया था। ये 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है, और जो लड़की वहां रूम में बैठी थी वो और उस लड़की को लाने वाला सुमित, ये दोनों अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, हम लोग इनको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बाद में इन लोगों का हमने क्रिमिनल हिस्ट्री तपास किया तो ये अमित जो है जिसने डी स्टाफ PSI के रूप में खुद की पहचान दी थी, वो पहले भी उस पर एक कतारगाम पुलिस स्टेशन में इस तरह के 2 गुना है एक्सटॉर्शन के। अल्पेश जो है उसके ऊपर कतारगाम पुलिस स्टेशन में 1 गुना ऑलरेडी दर्ज है, और विजय जो है उस पर 1 गुना अमरेली में और 1 गुना वडोदरा रेलवे में दर्ज है, और अमन उल्ला जो है उस पर पूना और सचिन पुलिस स्टेशन में 1-1 गुना दर्ज है। तो अभी 4 आरोपियों को अटक किया गया है, हम लोग इनका मोबाइल फोन, इनकी कॉल हिस्ट्री, इनका IPDR, व्हाट्सएप चैट्स, ये सब चेक कर रहे हैं कि इन्होंने
कहीं ऐसे और आदमियों के साथ तो इस तरह का हनी ट्रैप का कोशिश नहीं किया है। इस पर्टिकुलर केस में भी फरियादी ने बहुत हिम्मत करके और बाद में फरियाद दिखवाई, पुलिस को सहयोग किया काफी समझाने के बाद में। नॉर्मली लोग हैं वो इस तरह के असामाजिक तत्वों से बदनामी के डर से डर जाते हैं, तो ऐसा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग पूरा पूरा सहयोग करें। जो अमित वाला एक केस है उसमें इसी तरह का ही एक हनी ट्रैप का केस है जो कतारगाम में रजिस्टर्ड था। आरोपी और फरियादी एक दूसरे से परिचित है, बुलाया किस लिए? ये जो अमानुल्ला जनादुल्ला शेख है, ये जब कोविड का टाइम था तब फरियादी जो है उसने उसकी मदद की थी, कई बार उसने पैसे मांगे थे, पैसे के रूप में मदद की थी, तो ऐसे ही फोन करके बुला लिया। ये अमानुल्ला को भी पैसे की जरूरत थी, इसका कुछ एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई काफी टाइम से ड्यू हो रही है, तो इसने बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का एक अवतरा रचा।